टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के हीरो रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत अपनी टीम को कई मुकाबले जिताए। फाइनल में हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए बारबाडोज में तिरंगा लहरा दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब इस 30 वर्षीय ऑलराउंडर ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। अब जो खबरें आ रही हैं वो फैंस को खुश कर देंगी। दरअसल 6 साल बाद हार्दिक पांड्या की टेस्ट में वापसी होने जा रही है। दिग्गज क्रिकेटर ने इसे कंफर्म किया है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इसकी जानकारी दी। दरअसल बीते दिन रेव स्पोर्ट्स के हवाले से महान बल्लेबाज ने कहा कि अगर हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हो जाते हैं तो ये टीम अजेय हो जाएगी, उन्हें खेलने के लिए मनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों BCCI के सचिव जय शाह ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल उन्होंने एक वीडियो जारी कर टीम इंडिया को ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर बधाई दी। साथ ही BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल तक रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के इस साल के आखिर में होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हिटमैन टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। 22 नवंबर 2024 से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। इस श्रृंखला में टीम मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर खिलाड़ियों को मौका देगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर अनुभव ही काम आता है। इसका मतलब है टीम से बाहर चल रहे खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के साथ साथ KL राहुल की वापसी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत का संभावित स्क्वाड: कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और आवेश खान। हालांकि सुनील गावस्कर ने ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि भाई हार्दिक पांड्या को BCCI द्वारा मनाया जाना चाहिए ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेल सकें, और अगर वो इस सीरीज़ में खेल जाते हैं तो मेरे ख्याल से भारत का दबदबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये टीम के पास सब कुछ होगा। बेहतरीन ओपनर्स होंगे, बेहतरीन मिडल ऑर्डर रहेगा, बेहतरीन ऑलराउंडर्स रहेंगे जिसमें रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या शामिल हो जाएंगे, और भारत की पेस देखने तो देखिए बहुत शानदार ही है। तो सुनील गावस्कर का मानना तो सही है, पर क्या हार्दिक पांड्या रेड बॉल क्रिकेट के लिए क्या तैयार है? क्या उनकी फिटनेस इतनी अच्छी है कि वो 5 टेस्ट मैच बिना रुके और बिना थके खेल पाएंगे? ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस ही सबसे ज़्यादा उनके बीच में आड़े आती है, वरना वो हैं तो कमाल के खिलाड़ी, चाहे बात करें वाइट बॉल फॉर्मेट में, चाहे बात करें रेड बॉल फॉर्मेट में। बस फिटनेस जो है अगर उनका साथ दे जाए तो शायद वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बन सकते हैं।